हेलो दोस्तों, एडजेक्टिव्स बताऊंगा। ये सबके लिए है, जिसको पढ़ाई नहीं किया है उनके लिए बहुत अच्छी होगा और जिसको पढ़ाई किया है उसके लिए भी अच्छी होगा। तो ये टिप क्या है आप देख रही है आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ा मत पता है तो आप कोई भी हिंदी में पढ़ाई है तो आप ये बंगला है तो कोई भी क्या भी लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश में बना के पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई भी क्या भी पता नहीं है तो भी आप SMS कुछ भी किधर भी देख के, मोबाइल पर देख के कुछ भी आप SMS पढ़ सकते हैं एक ही एप्लीकेशन की वजह से। तो ये आप कैसे करेगा मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ध्यान से देखिए, देखने से आपको पता चल जाएगा कैसे टिक्स करना है। और आप अच्छी तरीके से सेटिंग भी नहीं करेगा तो आपको सभी करने के लिए नहीं होता है। मैं दिखाऊंगा आपको, बता के भी दूंगा कैसे करना है। और ये सब देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब करिए। और जो पढ़ाई पता नहीं है जिसको, उसके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट वीडियो को देखते रहिए। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर में चला जाइए। तो गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप ऊपर में सर्च करिए गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट सर्च करने के बाद में आपको गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन जल्दी आपके सामने आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप नीचे में ऐसे देख सकते हैं। और आपको पहले वाला आप ही जो देखा रहा हूँ मैं, वही उसको ही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप वहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, उसमें आप इंस्टॉल में डाल दीजिए। डालने के बाद में देखिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद में आप कैसे सेटिंग करना है वो भी मैं आपको बता। तो देखिए डाउनलोड होने के बाद में आप एप्लीकेशन के अंदर में जाइए। जाने के बाद में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और मैं पहले से यूज़ किया है इसलिए, और आपको भी ऐसा ही आएगा इंटरफेस। तो आप एक साइड में इंग्लिश है, देखिए ये साइड में आप क्या भी चाहिए रख सकते हैं। तो मैं इंग्लिश ही रख दिया है, एक साइड में इंग्लिश ही बस। और दूसरा साइड में अगर आपको ये साइड में आपको हिंदी है तो आप हिंदी को ही रख दीजिए। हिंदी को रखने के बाद में आप साइड में देखिए गूगल को आप क्या भी बताएगा, तो आपको हिंदी से सवाल जो भी बताएगा वो हिंदी से आपको पढ़ के सुनाएगा, और एक साइड में आपको इंग्लिश में सुनाएगा। अगर आप कोई भी SMS इंग्लिश वाला SMS कुछ भी आप बंगला आप हिंदी में पढ़ना चाहिए या आप हिंदी में उस SMS को बनाना चाहिए, किसी को हिंदी में भेजना है तो भी कर सकता है। तो SMS अगर आपको करना चाहिए तो इसमें क्लिक कर दीजिए, उसमें क्लिक करके आप कॉपी करके SMS ऐसे यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं SMS नहीं डालूँ। और आप देखिए अगर आपका लैंग्वेज में सुनना चाहिए तो बीच में इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपका लैंग्वेज आपका लेफ्ट साइड पर लिखे आना। लिखने के बाद में देखिए आपका लैंग्वेज दिखाई देगा, आपका लैंग्वेज सही दिखाई देगा। और इंग्लिश को लेफ्ट साइड में रखेगा तो दोनों इंग्लिश में दिखाई देगा, और ये हिंदी इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ के सुनाएगा। और डायरेक्ट हिंदी में सुनना चाहिए तो आपको हिंदी आपका साइड में लिखाना पड़ेगा। तो बीच में दबाएगा तो वो साइड ऐसे ट्रांसफर होता है। और आप भी सुन सकते हैं ये वीडियो, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे आदमी यूज़ कर रहे हैं और सभी के लिए ये बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि सभी आदमी अगर पढ़ाई पता है तो कोई भी आदमी को इंग्लिश पता है, हिंदी पता नहीं, हिंदी पता है, अरबी पता नहीं, अरबी पता है, बंगला पता नहीं, ऐसे बहुत सारे आदमी होता है। तो उसमें से आप ट्रांसलेट करके तुरंत आप पढ़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगा है आपके लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ। कोई भी वीडियो में मेरा सभी वीडियो में देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छा से जोटिक्स बताता है, मैं अच्छा से बताता है। दूसरा आदमी फान करता है, प्रॉब्लम करता है, अच्छा से नहीं बताता है, किधर किधर दबा के चला जाता है आपको पता नहीं चलता है। और आप दोबारा बहुत सारे वीडियो देखने का जरूरत पड़ता है, मेरा कोई भी वीडियो देखने के बाद में दोबारा देखने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ।